आज हम लोग पीरियडिक टेबल में बीकन के बारे में देखेंगे, और बीकन जो है पीरियडिक टेबल आवर्त 2 और आवर्त 3 में देखने को मिलता है। यस, जैसे बीकन का मतलब होता है कि इसका प्रॉपर्टीज पीरियड 2 से मिलेगा, पीरियड 3 का प्रॉपर्टीज पीरियड 2 से मिलेगा, बट इसमें आपको डायगोनल देखना है। तो मैग्नीशियम का डायगोनल लिथियम हो गया, बेरियम का हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन का बोरान, फास्फोरस का कार्बन हो गया, सल्फर का नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन का ऑक्सीजन हो गया। इस प्रकार बीकन हम लोग याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ये जैसे आपको मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 में इसका इकाई अंक 2 और 1 3, तो 3 हम जैसे हो गया, तो 3 जैसे लिथियम का हो गया। इसी प्रकार बेरियम का हम लोग देखेंगे, तो बेरियम का आप याद कीजिएगा, एल्युमिनियम का इकाई अंक 3 और 1 4, 4 बेरियम का हो गया। सिलिकॉन का बीकन बोरान हो गया, तो इसको याद करने के लिए इसका इकाई अंक 14 हो गया सिलिकॉन का, तो इसका इकाई अंक 4 और 1 5, 5 बोरान का हो गया। उसी प्रकार फास्फोरस, फास्फोरस का इकाई अंक 15 हो गया, तो 15 में आप 5 और 1 6, 6 कार्बन का हो गया दोस्त। इस प्रकार आप बीकन याद कर सकते हैं। बीकन को हम इंग्लिश में डायगोनल भी बोल सकते हैं। यस, और इसका बीकन का मतलब होता है कि पीरियड 2 का प्रॉपर्टीज पीरियड 3 से आपको बहुत मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये गैस है, ये अधातु है तो ये भी अधातु है, ये अधातु तो ये भी अधातु, फास्फोरस अधातु तो कार्बन भी अधातु, सिलिकॉन उपधातु तो बोरान भी उपधातु, मैग्नीशियम धातु तो बेरियम भी धातु, उसके बाद मैग्नीशियम धातु तो लिथियम भी धातु है। थैंक यू, धन्यवाद।